आपको बताते चलें, गवर्नमेंट टीचर्स की जॉब आप भूल जाएं, एफएससी लेवल के टीचर्स भर्ती होंगे, सैलरी प्राइवेट स्कूल की तरह, जॉब प्राइवेट स्कूल की तरह और तालीमी काबिलियत प्राइवेट स्कूल की तरह होगी, जब मर्जी नौकरी से निकाला जा सकेगा। देखिए एक समरी जो कि अप्रूव हो गई है डॉक्टर साहब, जो इंडिपेंडेंट हायरिंग वाली है अभी कि नहीं हुई है, वो जो हम कर हो गई है ना। देखिए हम सबसे पहली चीज़ जो करने जा रहे हैं वो ये है कि जितना हार्ड एरिया है ना और जहाँ पे टीचर्स रहते नहीं हैं और जहाँ से टीचर्स चले जाते हैं, लोकल हायरिंग पे हम जा रहे हैं। लोकल वहाँ पे टीचर हायर होगा, प्राइमरी स्कूल पढ़ाने के लिए उसको एफएससी होनी ज़रूरी है और मैट्रिक पढ़ाने के लिए उसका बीए होना ज़रूरी है। वहाँ से ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पहले भी कर सकते थे कि नहीं, पता नहीं क्यों नहीं किया किसी ने, कि वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट पे हायर होंगे जिनको कभी परमानेंट नहीं किया जाएगा। ये परमानेंट वाला रास्ता जो है मैं बंद करने लगा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा बोझ है पेंशन का गवर्नमेंट के ऊपर। सो लोकल हायरिंग होगी, ना ट्रांसफर का इशू होगा ना कुछ और होगा, और आप देखना इंशाल्लाह ताला वो टीचर्स वहीं पर लोकली हायर होंगे। दूसरा आपका मैं जो दो पार्ट्स में आंसर दे रहा हूँ कि अब हमें टीचर हायरिंग की तरफ जाना पड़ेगा और उसके लिए मैंने सीएम के साथ बैठना है और सारा डिस्कस करना है कि कितनी हायरिंग हमने करनी है। मुझे पता है अबाउट 70,000 टीचर्स की ज़रूरत है, मगर मेरे ख्याल से एक्चुअलिटी वो 70,000 की नहीं, कुछ रैशनलाइजेशन के साथ भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। सो एकदम सारे नहीं होंगे, मगर इसके ऊपर कोई ना कोई हायरिंग का इंशाल्लाह आपको मैं बताऊँगा।